बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अर्चना मैम आज आपको विशेषण पाठ का अध्ययन कराऊंगी। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। तो आज मैं आपको विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है यह समझाऊंगी। जैसे आप देखिए, मेरे काले बाल हैं, तो यहाँ पे मैम किसके बारे में बात कर रही है? बालों के बारे में बात कर रही है। और मैंने अपने बाल कैसे बताए? काले। तो यहाँ काले क्या हुआ? विशेषण। और बाल क्या हुए? विशेष्य। उसी तरह आगे आइए और उदाहरणों को देखते हैं। गर्म पकौड़े लाओ, यहाँ पे मैम किसकी बात कर रही है? मैम पकौड़े। जी हाँ, पकौड़े की बात कर रही है। और पकौड़े कैसे हैं? गर्म। गर्म, वेरी गुड। तो यहाँ पे गर्म क्या हो गई? उसकी विशेषता। तो ये विशेषण हो गया। और पकौड़े क्या है? विशेष्य। तो जिस संज्ञा शब्द की हम विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता हम बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। सुंदर नर्तकी नाचती है, तो बताइए यहाँ पर विशेषण क्या है? सुंदर। सुंदर, जी हाँ। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नर्तकी। नर्तकी हमारी संज्ञा है, तो नर्तकी क्या हो गया? विशेष्य। तो सुंदर विशेषण और नर्तकी विशेष्य। अगला उदाहरण, तोता हरी मिर्च खाता है, यहाँ पे हम किस संज्ञा शब्द की बात कर रहे हैं? बताइए। मिर्च। मिर्च, वेरी गुड। तो यहाँ मिर्च क्या हुआ? विशेष्य। और मिर्च कैसी है? उसकी हरी है, हरी। तो यहाँ हरी क्या हुआ? विशेषण। तो इस प्रकार आप वाक्य में से विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करेंगे। देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो आइए बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। देखिए यह पत्ता किस रंग का है? जी हाँ, हरे रंग का। इसका रंग कौन सा है? हरा। यह फूल लाल रंग का है, इसका रंग लाल है। और यह कैसा लग रहा है? सुंदर। देखिए इस किताब को और इसका आकार कैसा है? चाकोर। सब जिस शब्द से हमें उसके गुण, दशा, रंग और आकार का पता चलता है वह गुणवाचक विशेषण होते हैं। दूसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल का या मात्रा का पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए इस ग्लास में कितना पानी है? जी हाँ, थोड़ा पानी। यह दुपट्टा कितना लंबा है? 1 मीटर। थोड़ा पानी, 1 मीटर, 2 किलो चावल, यह सब हमें संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं। तो यह सब परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। संज्ञावाचक विशेषण, जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, संज्ञा मतलब नंबर्स। तो जिस शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का पता चलता है उन्हें संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। देखिए यह कितने पत्ते हैं? 1, 2, 3। तो ये हमारी संख्या हुई 3। कितनी किताबें हैं? 2। चलिए गिनते हैं, यह कितने पत्थर हैं? 1, 2,
तीन चार पाँच छः सात। तो जिन शब्दों से हमें उनकी संख्या का पता चलता है, जैसे तीन पत्ते, दो किताबें, सात पत्थर, तो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक मतलब किसी की ओर संकेत करना, इशारा करना। जैसे यह तस्वीर उतार दो, वह किताब मुझे दे दो, उसने धारीदार कुर्ता पहना है। तो इन शब्दों से हमें किसी की ओर हम क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। तो यह कहलाते हैं संकेत वाचक विशेषण। तो बच्चों आपने सीखा विशेषण के भेद, गुणवाचक, परिणामवाचक, संज्ञावाचक और संकेतवाचक। तो आइए अब हम इसका अध्ययन अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे।